हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रेलवे के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दिल दुखाने वाली है जो केवल रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या टेक्निकल वाली कोई पोस्ट हो, उनके एग्ज़ाम देते हैं। तो रेलवे के अलावा उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो अदर एग्ज़ाम होते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम ही विद्यार्थी मिलेंगे। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है वो ये है कि रेलवे अब कोई भी भर्ती नहीं निकालेगा, नई कोई भी वैकेंसी नहीं निकालेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल तक ये भर्ती नहीं निकालेगा, लेकिन ये इन्होंने बता दिया है, 2-3 न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है कि अब रेलवे नई भर्ती नहीं निकालेगा। तो जो भी विद्यार्थी इस बार का एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसे वो अपना लास्ट चांस मानकर पूरी जोर के साथ पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अब पता नहीं अगली वैकेंसी कितने साल बाद आएगी। याद रखिएगा, कितने साल बाद आएगी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं 3 साल बाद तो ये वैकेंसी आई थी जो 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी की थी, और जो बहुत बड़ी वैकेंसी थी, और इसका भी एग्ज़ाम 1.5 साल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम। तो अब आप ये ना सोच कर बैठें कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो ही जाएगा, क्योंकि पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा आपको ऐसी और इतनी बड़ी भर्ती का। जैसे कई राज्यों ने कोरोना की वजह से 1-2 साल तक भर्तियों पर बैन लगा दिया है, वैसे ही रेलवे ने भी अब बोल दिया है कि अब हम नई भर्ती नहीं निकालेंगे। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इट इज़ हाई टाइम। ओके, तो थैंक यू गाइस, यही थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहती है।